हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 7 मार्च 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम में यहाँ पे आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें आप देख सकते हैं 2.01% का यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 284.65 पे। जो क्या आने वाले दिनों में ऐसा है जो यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई डाउन साइड आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के मतलब फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे वॉल्यूम की तो वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरेज से ज्यादा हमें वॉल्यूम जो देखने मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कैंडल जो बनी है यहाँ पे कैंडल की आप बॉडी देख सकते हैं, छोटी सी यहाँ पे कैंडल जो हमें बॉडी देखने मिल रही है। नीचे के साइड में एक बड़ी विक और ऊपर के साइड में यहाँ पे एक छोटी सी विक जो देखने मिल रही है। बाकी आरएसआई यहाँ पे आप देख सकते हैं 46-47 के आसपास जो आ चुका है जरूर हमें एक यहाँ पे जो स्लाइट पॉजिटिव मूवमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक जो हमें फिलहाल अभी जो है यहाँ पे डाउन साइड जाते हुए देखने मिल सकता है। हाई चांस है यहाँ पे स्टॉक जो हमें वापस से 260 के आसपास जो गिरते हुए देखने मिले। बाकी यहाँ पे करंटली ट्रेंड भी जो है स्टॉक में वो नेगेटिव है। 20 EMA आप देख सकते हैं 50 EMA के नीचे जो अभी चल रहा है जो एक स्टॉक के ट्रेंड को यहाँ पे जो नेगेटिव कर देता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको जरूर कहूंगा थोड़ा सा जब स्टॉक में जो है कॉशियसली काम करें, क्योंकि स्टॉक में यहाँ पे कितना भी अपसाइड मूवमेंट फिलहाल के लिए आ जाए वो सारा का सारा जो अपसाइड मूवमेंट है वो टेम्पररी के लिए है। तो यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे जब तक 20 EMA जो क्रॉस ना करे 50 EMA को हमें जो वेट करना है और फिर एक परमानेंट मूव का जो इशारा का जो है यहाँ पे हमें देखते हुए जो है अपना ट्रेड लेना है। तो करंटली हमारा ओपिनियन जो स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए वो डाउन साइड का है। आपका क्या ओपिनियन है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोज मतलब 4 स्टॉक से जो है एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं यहाँ पे कल के दिन मतलब मंडे के दिन स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास सारे के सारे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क्ड है। तो फिलहाल यहाँ पे हमें कोई भी मार्किंग्स करने की जो जरूरत नहीं है, सीधा हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। तो क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 284.65 के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 282.85 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है 285.70 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जो आप उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे आपको अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जो आप उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में यहाँ पे मंडे के लिए, तो यहाँ पे मंडे का मेरा ओपिनियन कहने से मैं इंपॉर्टेंट आपको 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस जरूर मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 279.35 का,
उसके बाद क्या था 276.60 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेशन के बाद का अगला रेशन आता है 287.70 का, उसके बाद क्या था 290.55 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेशन यहाँ पे बताए हैं, जरूर जो है उसी को कंसिडर में रखते हो जो यहाँ पे अपना मंडे का जो है ट्रेड ले। और यहाँ पे अब रही बात मेरे ओपिनियन की फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए, तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन मंडे के लिए जो है जरूर यहाँ पे एक स्लाइट नेगेटिव साइड का बन रहा है, मतलब स्टॉक जो हमें डाउन साइड गिरते हुए देखने मिल सकता है। लेकिन इस स्टॉक में हमें जो है वेट करना है प्री ओपन मार्केट में किस तरह से परफॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल जो है स्टॉक मार्केट में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा करंटली अभी जो है रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से यहाँ पे मार्केट जो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे पहली बात तो हमें ओपनिंग जो है किस तरह से स्टॉक की होती है वो हमें देखने, क्योंकि यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो यहाँ पे हमें अपसाइड मूवमेंट जो जाते हुए देखने मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है गैप अप ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, क्या ये डायरेक्ट हमारे रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हुए हो रही है या फिर डायरेक्ट रेजिस्टेंस के अंदर हो रही है, वो भी हमें देखना है। और यहाँ पे मुझे लगता है हाई चांसेस स्टॉक जो है यहाँ पे एकदम ही न्यूट्रल सा जो है यहाँ पे मंडे के दिन ओपन हो और यहाँ पे डाउन साइड हमें जाते हुए देखने मिल सकता है। मुझे लगता है 279.35 से लेके 282.85 के बीच में क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।